गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह हम 11 बजे ईटानगर से निकल गया सपा जाएगा बोल के, अभी तक हम रास्ता में फंसा हुआ है। करीब 11 टू अभी हम 1 बजे में यहाँ पे, 1-2 बजे अभी तक यहाँ में हम पप्पू नाला या जोलंग जाने जगह तीनी अली में है। या इतना ट्रैफिक है, कोई हिल रहा नहीं है गाड़ी जो, तो उसका वजह से इतना ट्रैफिक, कोई पुलिस नहीं है या कोई ये इन्वेस्टिगेटिव का प्रशासन गवर्नमेंट तरफ से कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो उसका वजह से यहाँ से नालगन से जो गया है वो वहीं रुक गया। इसका बाद उधर से ईटानगर से जो आया जा रहा है नालगन तरफ तो हो तो थोड़ा चल रहा है, लेकिन उधर से फिर जोलंग साइड से जो आ रहा है वो पूरा ब्लॉकों की रास्ता ऐसे पड़ा हुआ है। जो नालगन ईटानगर जाने जगह रास्ता हो तो ऐसे काली पड़ा हुआ है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस का नहीं होने के वजह से ये है माने मिसमैनेजमेंट जो मजिस्ट्रेट जो अभी अच्छी तालोपुतम जो कर रहा है उसका वजह से हो रहा है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को जो भी जो यहाँ का डीसी कैपिटल डीसी है, जो भी ट्रैफिक जो वार्डन पुलिस लोग जो एसपी है, इसको थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। पप्पू नाला नालगन हम लोग जाने के लिए काम होने से भी हम लोग को 100 बार सोचना पड़ता है कि हमको जाना है कि नहीं जाना नहीं है। तो ऐसे हालत में तू जो कोई इमरजेंसी पेशेंट होने से तू इसका तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मेरा मानना है कि बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो क्योंकि इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है जो पेशेंट को, तो ट्रैफिक पुलिस हर पॉइंट में बैठना चाहिए ट्रैफिक पुलिस, या कोई ट्रैफिक पुलिस का नहीं होने का वजह से इतना सुबह से 11 बजे से बैठ के अभी करीबन 2-3 घंटा यही ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली हमको सिपा जाना था लेकिन अभी तक यह ईटानगर में है, पप्पू नाला में है, तो इसलिए मेरा थैंक यू।